हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग हैं ऋषिकेश के शिवपुरी इलाके में और आप देखिए ये एक्वा हिल यहाँ का एक कैंप एरिया है जो शिवपुरी में स्थापित है और यहाँ पे बहुत से ऐसे कैंप हैं जहाँ पे आप आके आउटिंग कर सकते हैं। बहुत यूनिक जगह है, मैं आपको एक उसका नज़ारा दिखाता हूँ और आप देखिए। रीजनेबल प्राइस हैं, बिल्कुल पीसफुल एरिया है। अक्सर हम लोग ऋषिकेश तक ही आते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश तक ही आते हैं, मगर उसके ऊपर हम लोग कभी नहीं आते। हमने भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, एक्सप्लोर किया इस एरिया को और आप भी देखिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं वो सब यहाँ पे आएं, देखें। हम कॉन्टैक्ट नंबर भी इनका देंगे, डिटेल भी देंगे और पूरा एरिया आपको दिखाते हैं कि रात का यहाँ पे व्यू क्या होता है, दिन में किस तरीके से यहाँ पे आप आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, क्या प्राइस रेट मिलेंगे यहाँ पे आपको, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो एक बार आप देखते हैं और इसको आप खुद देखिए, इंजॉय भी करेंगे और आपको अच्छा लगेगा और देखने के बाद आप लोग खुद कहेंगे कि एक बार तो यहाँ हमें ज़रूर जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर हम आपको डिटेल बताते हैं, ऋषिकेश से करीब 12 से 15 किलोमीटर ऊपर है ये एरिया और ये शिवपुरी एरिया कहलाता है। यहाँ पर सारा कैंपेनिंग एरिया है, यहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप बच्चों के साथ आ सकते हैं और बहुत पीसफुल एरिया है। ये देखिए, ये शिवपुर जो एरिया है शिवपुरी, वहाँ पे ये एक्वा हिल कैंप है जहाँ पे हम रुके थे। और इसके साथ में एक चीज़ हम आपको और दिखाते हैं, ये देखिए, जो रुद्रप्रयाग करुणप्रयाग में आने वाले समय में आप रेलवे लाइन से जो कनेक्ट होने वाले हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं ना कि चीन को आँख दिखा के उसके बराबरी की बात करेंगे, उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखिए, ये टनल बन रही है और यहाँ पे पूरा आने वाले समय में आपको रेलवे ट्रैक दिखाई देगा और ये बिल्कुल नदी के बीचों बीच बनाई जा रही है। और ये पहाड़ देखिए किस तरीके से यहाँ पहाड़ों के बीच में से ये टनल बनाई जा रही है। अभी आप ऋषिकेश तक आते हैं जो योग नगरी कहलाती है, नया भी वहाँ पे रेलवे स्टेशन बना है, बहुत यूनिक और बहुत अच्छा है अगर आप लोग वहाँ गए हों। और उसके आगे अब तैयारी चल रही है, ये कर्णप्रयाग तक जाने की तैयारी चल रही है रेलवे ट्रैक की और इसका काफ़ी काम पूरा हो चुका है, टनल बन चुकी है और उसी का लगा हुआ ये पूरा एरिया है। ये देखिए एक बार व्यूज का, ये देखिए। और ये ऋषिकेश से ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये सारे कैंप हैं, यहाँ पे आपको जो टेंट हाउस है वो मिल जाएगा, आपको कॉटेज मिल जाएंगे और यहाँ पे व्यवस्था क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। मगर एक बार जरा व्यू देखिए, पीसफुल एरिया है। अगर आप चाहते हैं दिल्ली NCR या मेट्रो सिटी की भागदौड़ से बाहर निकलना तो यहाँ ज़रूर आइए, बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए, ये यहाँ के ऑनर हैं राणा जी। और ये देखिए, ये पूरा आइए इसके अंदर दिखाते हैं हम आपको। ये फैमिली हमारे साथ रात को यहाँ रुके थे, ये देखिए HR नंबर है, यानी हरियाणा से हैं, पंजाब से गाड़ियाँ आई थी और काफ़ी लोग यहाँ बहुत दूर से आए थे, अब यहाँ धीमे धीमे लोग जा रहे हैं। टाइमिंग हम आपको बताते हैं, सुबह 10 बजे से लेके अगले दिन 10 बजे तक आपको यहाँ पे रहने के लिए, यानी 24 घंटे का रूम मिलता है आपको यहाँ पे। और इसके साथ साथ यहाँ आप राफ्टिंग कर सकते हैं, ये देखिए राफ्टिंग के लिए व्यवस्था है, आप यहाँ बुकिंग कराइए। और ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिए आप लोग एक बार,
ताकि आप लोग कभी यहाँ पे बुक कराना चाहें तो आ सकते हैं, डायरेक्ट बुक कराइए। यहाँ अगर ऑफ सीजन है तो 1100 तक का पर बंदे के हिसाब से, यानी पर बेड के हिसाब का से आपको यहाँ पे करना है, जिसमें आपको खाना, आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और चाय, स्नैक्स सब आपको मिलेगी, इसी में इंक्लूड होता है। ये जो आपके सीजन होता है ये ऑफ सीजन की बात है, अगर सीजन है तो यहाँ 1200, 1500, 1800, 2000 तक भी जाते हैं और कई बार जगह मिलती भी नहीं है। तो ये ऑफिस नंबर है, ये देख लीजिए, बुकिंग कर सकते हैं आप लोग। यहाँ राफ्टिंग कर सकते हैं, बंजिंग जंपिंग कर सकते हैं, जिप लाइनिंग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। देखिए, और अब हम आपको दिखाते हैं अंदर। ये देखिए, यहाँ पे रात को ये म्यूजिक टाइमिंग आपके यहाँ सामने दिख रही है, 7 से 10 बजे तक आप यहाँ म्यूजिक चलता है, लोग यहाँ खूब इंजॉय करते हैं। हम आपको उसकी वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं इसके साथ साथ में, वो भी देखिएगा। ये हमारी फैमिली के लोग बैठे हैं, ये देखिए, और व्यू देखिए। साथ ही साथ यहाँ बॉनफायर होता है, ये देखिए, यहाँ पूरे में ऐसी चेयर होती हैं, रात को बहुत अच्छा लगता है, लोग डांस करते हैं बॉनफायर के साथ, यहाँ अच्छा इंजॉय करते हैं। और ये देखिए, ऊपर टेंट हाउस है ये सारा, नीचे कॉटेज है, ये बने हुए रूम, और ये पर हेड के यहाँ से जो चार्जेज हैं वो हमने आपको बताया, एक एवरेज अगर बताएं तो 1000 से 1200 तक का चार्जेज लगता है पर हेड, और उसमें आपकी सारी मील्स जो हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, चाय, सब कुछ इसमें इंक्लूड होती है। मगर ये सीजन के हिसाब से है, ऑफ सीजन में आपको 1100 तक का मिल जाएगा, और अगर सीजन है तो आपको 2000 तक पे करने होते हैं, जैसा सीजन का टाइम और यहाँ पे रश हो उसके हिसाब से। मगर हाँ, बहुत अच्छा ये पूरा एरिया आप देखिए। इसके साथ साथ जब आप इसी पे आगे जाएंगे तो पूरा यहाँ ऐसे ही कैंपिंग है, यहाँ कैंप हैं, ऐसे ही कॉटेज हैं, बहुत अच्छी जगह है, एक बार जरूर आइए। और हम आपको अब यहाँ से नाइट विजन जो है इसका, जहाँ नाइट में यहाँ किस तरीके से लोग आते हैं, कैसे क्या क्या इन्जॉय करते हैं, कैसे इन्जॉय करते हैं, वो सब अब चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं, वो भी देखिए। Oh yeah.